नमस्कार, नेशनल खबर 9 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेन मौर्य। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश के इस खास खबर पर एक नजर। खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां ब्लॉक जहानागंज के सरैया का मामला है, जहां लगातार केंद्र और राज्य सरकार स्वच्छता को लेकर दावा कर रहे हैं कि प्रदेश एवं देश के लोगों के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन सरैया जहानागंज का प्राथमिक विद्यालय को देखने से यह पता चलता है कि यहां के नौनिहाल बच्चों के साथ स्वास्थ्य को लेकर के खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां गंदगी की भरमार देखने को मिल रही है। यह शौचालय देखने के बाद यह पता चलता है कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को यहां के स्टाफ द्वारा तार तार किया जा रहा है। जहां भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन का अभियान चला रहे, यहां की व्यवस्था देखने के बाद साफ जाहिर होता है कि यहां की जनता सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहती। प्राथमिक विद्यालय में गंदगी व कूड़े का अंबार देखने को मिला है, जो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियों को दावत दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9। मैं हूं आपके साथ जितेन मौर्य। आज मैं आजमगढ़ के सरैया प्राथमिक विद्यालय क्षेत्र जहानागंज पे हूं। आपको यहां की जमीनी हकीकत दिखाने का प्रयास करूंगा, जहां पर केंद्र और राज्य सरकार लगातार स्वच्छता पर जोर दे रही है, लेकिन नौनिहाल जो कि भारत के भविष्य हैं, इनको कितना स्वच्छता पर, इस प्राइमरी विद्यालय के स्वच्छता पर कितना असर देखता दिखता है केंद्र और राज्य सरकार का, आइए दिखाने का काम करूंगा। जहां पर हमेशा केंद्र और राज्य सरकार लगातार स्वच्छता मिशन पर प्रयास कर रही है, लेकिन सारे मंसूबों को तार तार कर रहे हैं यहां प्राइमरी विद्यालय के स्टाफ। दिखाने का प्रयास कर रहा हूं यहां के शौचालय का हाल, कैमरामैन से दिखाने का प्रयास करूंगा इस प्राइमरी शौचालय की क्या हालत है। दिखाएं आपको, जाला लगा हुआ है, बनवा कर लीजिए तो नहीं बनवा। शौचालय के आसपास नहीं दिखी साफ सफाई, दिखा गंदगी का भरमार। ये दिख रहे हैं बालिका शौचालय, इसमें सफाई कर्मी लग रहा है कभी आता ही नहीं है। ये आप देख रहे हैं, लग रहा है सफाई कर्मी कई महीनों का गायब है। मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ की पानी की व्यवस्था दिखाएं कि बच्चे पानी कैसे पीते होंगे। यहाँ पर नल लगा हुआ है, देखिए ये नल की स्थिति है। जैसे जानवर के लिए पानी बनाया जाता है वैसे स्थिति है, लेकिन ये नल आज तक नहीं चालू हुआ है। Thank you.